Redmi 6A? अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, हमारे वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करना। सन 2002 से आपकी सेवा में, हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9827366111। मध्य प्रदेश में वैश्विक महामारी से जारी लड़ाई के बीच सरकार के द्वारा शराब की बिक्री को छूट देने के आदेश के साथ दुकानें खोले जाने के बाद बन रहे हालातों को लेकर अब उसके इस निर्णय को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जहां पिछले 2 माह से महामारी के बीच आम जनता जरूरी सामान के लिए जद्दोजहद करती नजर आ रही है, साथ ही सभी धार्मिक स्थल बंद हैं, तो वहीं ऐसे में शराब की बिक्री पर खुली छूट देने की सरकार की मंशा पर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए सवाल खड़े किए हैं और उसके इस निर्णय को अनुचित करार दिया है। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ने इस मामले में कड़े शब्दों में सरकार के निर्णय की आलोचना की और संक्रमण से लोगों की सुरक्षा के लिए मोर्चा संभाल रहे पुलिस एवं प्रशासन के इंतजामों पर ऐसे हालातों में शराब की बिक्री के कारण होने वाले प्रभाव से अब तक की इन योद्धाओं द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर पानी फेरने वाला कदम बताया। साथ ही बेटियों और भांजियों के हितैषी होने के सरकार के दावे पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया। आज कैसा लग रहा है आपके लिए दारू की भीड़ में? लगे बहुत अच्छा लग रहा है। कम से कम दारू भैंस में 400 की मिल रही थी, ऐसे सस्ती मिल रही है, मगर वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वैसे मिल जाती थी कल्टी में, ऐसे बहुत दिक्कत। कल्टी में कितने की मिलती थी? 450 का आई। तो ये अभी कितने की मिल रही है? अभी मालूम नहीं, अब जाएंगे पानी से देखेंगे। तो अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने दिनों बाद खुली है? कम से कम 1 महीने बाद। शिवराज सिंह सरकार के ये निर्णय को मैं अनुचित मानता हूँ और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जहाँ भांजियों के लिए, बहनों के लिए शराब के प्रति खिलाफ मानसिकता रखने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को आज क्या हो गया अचानक कि वो आज इसके पक्षधर और हिमायती होने का पक्ष ले रहे हैं। आज जहाँ ज़रूरत इस बात की है कि मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्च में जो भगवान के मंदिर हैं उनके पुजारी, उनके रहने वाले पुजारी आज परेशान हैं, मंदिरों में आज जाने को लोग परेशान हैं। मंदिर खोलना चाहिए थे, पुजारियों का ध्यान रखना चाहिए था, उनका ध्यान न रख के आज शराबियों का ध्यान रखा जा रहा है। इसकी मैं निंदा करता हूँ और कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ।